Namaskar, hello, adab and welcome to In Video Games YouTube channel और Bangladesh versus New Zealand का मैच नंबर 9 ओवल के ग्राउंड से हमारे गेम प्ले में आप देखने वाले हैं थोड़ी देर में। हम लोग अगर दोनों टीमों की बात करने तो दोनों टीमें अच्छे फॉर्म में हैं, पर एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इस टीम में थोड़े परसेंटेज नीचे रहेगी, लगभग 60-40 का है फॉर्म के हिसाब से, 60-40 है रिकॉर्ड के हिसाब से। इस समय चार बार शायद भिड़ी हैं टीमें न्यूजीलैंड बांग्लादेश की, इससे पहले वर्ल्ड कप में, और चारों बार न्यूजीलैंड जीती है, लेकिन वो बात अलग थी। चार साल बाद वर्ल्ड कप आता है तो ऑलरेडी चार साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है यहाँ पर बांग्लादेश। ओवल के ग्राउंड में होने वाला है मैच, जो हम लोग यहाँ पर रखेंगे लंदन का हम ग्राउंड सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट मोड 50 ओवर्स पिच में करते हैं बदलाव, लाते हैं ड्राई पिच, नाइट के समय में करेंगे क्योंकि 6 बजे मैच चालू होगी, तो हम लोग डस्क में रखते हैं। चलिए ये मैच भी लंदन का ग्राउंड, बांग्लादेश वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है शुरू, देखते हैं कौन जीतता है इस बड़ी इंपॉर्टेंट मैच को। अब बांग्लादेश कोशिश करेगी दूसरा मैच जीतने की, न्यूजीलैंड भी कोशिश करेगी यहाँ पर लगातार मैच जीतने की। हम लोग लाइव आ चुके हैं यहाँ पर, दोनों टीम के कप्तान मैच रेफरी के साथ टॉस के लिए तैयार, टेल्स के साथ गया हूँ मैं बांग्लादेश बन के खेल रहा हूँ। सामने न्यूजीलैंड की टीम है जो मेरी दूसरे नंबर की फेवरेट टीम है, फेवरेट मतलब सपोर्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे बैटिंग ले रहा हूँ, बांग्लादेश यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी और डिफेंड करेंगे हम लोग अंत में सेकंड इनिंग में। न्यूजीलैंड की टीम आपके सामने है इस 9वें वर्ल्ड कप के मैच में 2019 के, और यहाँ पर नेशनल एंथम होता हुआ बांग्लादेश न्यूजीलैंड का। ओपनिंग हम लोग तमीम इकबाल और लेटन दास से करा रहे हैं। अब हमारा गेम प्ले फॉर्मेट 2 दिन पहले के मैच से थोड़ा चेंज हुआ है, बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पर हम 40 ओवर ऑटो प्ले करते हैं, एक बड़ा हिस्सा गेम का ऑटो प्ले होता है, अंत के 10 ओवर खेलते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई 10 ओवर क्यों और बड़ा रखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर मैं 10 ओवर से बढ़ा कर रखता हूँ, मान लो 20-20 ओवर का रखता हूँ, तो वो वीडियो हो जाएगी लगभग 2 घंटे की वीडियो होगी, वो 2 घंटे की वीडियो, और अगर आप इस 1 घंटे की वीडियो को लगभग 15 मिनट भी नहीं देखते हैं तो 2 घंटे की वीडियो को भी आप लोग नहीं देखेंगे। ये सवाल हर एक वीडियो में आता है कि ऑटो प्ले क्यों करते हैं, भाई ऑटो प्ले मैं इसलिए करता हूँ, मैं बाकी सब लोगों जैसा 5 ओवर का ऑटो प्ले नहीं डालना चाहता कि 5 ओवर का मैच खेलूँ मैं और फिर उसको दिखा दूँ वीडियो करके, तो भाई मैं आप लोगों के सामने 50 ओवर का ऑटो प्ले करता हूँ, यानी 50 ओवर का मैच करता हूँ। ऐसा नहीं है कि 5 ओवर मैंने खेल दिया उसको बोल दिया कि भाई ये तो मेरा मैच हो गया, और ऐसा तो यही रीज़न है कि 50 ओवर मैं करता हूँ, तो उसमें हम लोग 10 ओवर खेलते हैं घूम फिर के, भले ये 10-10 ओवर का मैच होता है लेकिन स्कोर कार्ड तो 50 ओवर के हिसाब से आता है, मैच तो 50 ओवर का होता है, विकेट जो चेंज होते हैं, टारगेट जो चेंज होते हैं, वो सभी 50 ओवर के हिसाब से होते हैं। हमको टॉप ऑर्डर से खेलने का मौका नहीं मिलता, हमको टॉप ऑर्डर के सामने बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलता, तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों में सेम रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ऑटो प्ले किया मेरी बैटिंग में और मेरे सभी ओपनर सेफ हैं, मैं अपना टॉप ऑर्डर के साथ अटैक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बॉलिंग में भी ऐसा होता है कि मेरे लगभग अगर top 3 बॉलर्स हैं तो उनमें से एक का ही 1-2 ओवर बाकी होगा, बाकी का या तो एक का ओवर ख़त्म हो गया होगा, बाकी के 2 बच्चे होंगे उनके थोड़े बहुत ओवर होंगे, तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पहली बैटिंग इसीलिए लेता हूं कि आप लोगों को बोरिंग गेम प्ले ना देखने को मिले। यहां पे बांग्लादेश के पास ऑप्शन था सिलेक्शन का कि भाई जो लेना हो लो, हमने बैटिंग ली है, अगर मेरे ख्याल से हमारी पहले बॉलिंग आ जाती ना तो मेरे ख्याल से ये मैच वन साइडेड होता, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग मैच हो, टफ मैच हो, इंटरेस्टिंग चलिए छोड़िए, टफ मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो 265 बहुत ही 40 ओवर में 265 रन करना एक बहुत ही बड़ी बात है। अब हम यहाँ पे बैटिंग की बात करें तो मिथुन खेल रहे हैं, रहमान खेल रहे हैं, इसके बाद सिर्फ एकमात्र बैट्समैन हैं हसन मिराज जो आएंगे, उसके बाद सभी जो हैं बॉलर्स हैं, तो हमारी कोशिश होगी। यहाँ पे विलियमसन को गेंदबाजी दी, क्यों ऐसे कैसे दिन आ गए हैं कि विलियमसन को गेंदबाजी देनी पड़ी है। हमारा टारगेट होगा 350 जैसा कि हर बार होता है, पिछली बार का तो मैच हम लोग हार गए हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, वो एक बार जरूर देखें आप लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था वो। 2 रन आते हुए यहाँ पर
तीन का कॉल हम देंगे अगर प्लेयर ने टच नहीं की गेंद, तो नहीं की है तो तीसरा रन भी आ गया। चौथा ना 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 बच गए कि गए हैं, बच गए कि गए हैं यार, बहुत गड़बड़ हो गई है मेरे से। डाइव भी थोड़ा पहले लगा सकता था मैं, देखना होगा थर्ड एम्पायर के पास कॉल गया है या आप आखिरी रन देख रहे हैं, जो आखिरी रन इन्होंने दौड़ा है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर थर्ड एम्पायर की मदद से। उम्मीद करता हूँ पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, काफ़ी काफ़ी पहुँच गए यार। ये क्यों थर्ड एम्पायर लिया इन्होंने, रिप्ले में तो अलग दिख रहा था, रिप्ले में तो अलग लग रहा था, इतना क्लोज इतना आसानी से अंदर नहीं थे यार ये, काफ़ी बाहर थे। पर अच्छी बात यह है कि हम लोग बच गए और चार रन लेने में कामयाबी मिली। एम्पायर के लिए आसान डिसीजन, नॉट आउट का इंतजार होगा यहाँ पर, अब मैच शुरू होगा जल्दी। डिसीजन पेंडिंग लिखा आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर नॉट आउट अपीयर हो चुका है स्क्रीन के ऊपर। चलते हैं, चलिए चौके के साथ शुरुआत हुई है लेकिन चारों रन दौड़ के लिए। अब यहाँ पे फील्डिंग सेटअप बहुत बढ़िया है, ये फील्डिंग सेटअप और डिफेंड थ्री फील्डिंग सेटअप, ये जो दो फील्डिंग सेटअप है ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, अटैकिंग थ्री और डिफेंड थ्री इसमें। और अटैकिंग थ्री में तो फिर भी हम लोग लेफ्ट साइड में खेल सकते हैं, आप डिफेंड थ्री एक बार देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग सेटअप है। अब यहाँ पे मेरे को पास ऑप्शन है रिस्क लेने का, मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि पिछली बार अच्छे शॉट खेले थे इन्होंने। देखिए ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है इस फील्डिंग सेटअप में, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है अटैकिंग थ्री में। लगभग टॉप फाइव में ही मैं फील्डिंग को रखूंगा लेकिन डिफेंड थ्री के सामने ही काफ़ी कमजोर है। डिफेंड थ्री काफ़ी बढ़िया फील्डिंग सेटअप है। यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है रन बनाने की बांग्लादेश की तरफ से, अभी तक 9 ओवर का खेल है, काफ़ी लंबा होने वाला है ये मैच। ऑफ साइड में खेलने वाले हैं हम लोग ये शॉट। यहाँ पे बच गए हैं, बच तो गए मेरे ख्याल से, पहुँच गए, नॉट आउट दिया एम्पायर ने, सही डिसीजन है ये। इस ओवर में देखा जाए तो 11 रन आ गए, देखते देखते लग नहीं रहा है हमने 11 रन किए हैं लेकिन काफ़ी आसानी से कर लिए 11 रन। मैं चाहता था थोड़ा कंपटीशन हो यहाँ पे, थोड़ा टफ हो, लेकिन ये गेम में अभी थोड़ी कमी आ गई है, मेरे को ये टफ नहीं लगती है थोड़ी, ये एक बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट है इस गेम का। क्योंकि WCC2 में आप हमारी बैटिंग देखते हैं, हम लोग 3 ओवर में 4 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, उतनी टफ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी रियल क्रिकेट 19 काफ़ी आसान हो गई। रियल क्रिकेट 19 का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसका बॉलिंग लॉजिक काम नहीं करता। जब आप बॉलिंग करते हैं चेस में, खास करके जब डिफेंड करते हैं, तब इसका बॉलिंग एवरेज काम नहीं करता है। जो बॉलिंग लॉजिक है कि ग्रीन मीटर पे रखो गेंद 100% विकेट मिलेगी या शॉट गलत हो जाएगा, मेरे ख्याल से जब भी हम उसको परफेक्ट रखते हैं उतना ही गलत होता है हमारे लिए। अगर मान लीजिए हमने 20 परफेक्ट गेंद डाली है तो उनमें से 18 या 17 गेंदें ऐसी होंगी जो बेकार हुई होंगी हमारी तरफ से। यहाँ पे लेग साइड पे खेलने वाले हैं हम लोग, फाइनली लेग साइड पे गेंद मिली है और अच्छा शॉट, अब देखना होगा। जी हाँ, यहाँ सिंगल तो कंफर्म है, ओ प्लेयर की काफ़ी नज़दीक है, 3 का कॉल तो देंगे हम लोग, 3 पे ही घुसे हम लोग, 3 में ही घुसे। चौका थोड़ा और पीछे जाती शायद तो ले लेते हैं हम लोग 4 रन, लेकिन अभी के हिसाब से 3 रन से हम लोग संतुष्ट हैं। अभी तो 2 ही गेंद हुई, हुक शॉट खेलने वाले हैं हम लोग। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लाजवाब शॉट आप देखने वाले स्क्रीन के ऊपर, नहीं बीट हुए हैं, बॉडी पे हिट हो गया इनके। डगआउट काफ़ी शांत बांग्लादेश का, 340 प्रोजेक्टेड स्कोर है, मुझे नहीं लगता इन्हें दुखी होने की कोई भी रीज़न है, पर होगा कुछ रीज़न पता नहीं, लेकिन काफ़ी सन्नाटा है पता नहीं क्यों। यहाँ पे सिंगल ही आया है खाली, गैप में जा नहीं रहे हमारे शॉट। मिथुन यहाँ पे 50 के करीब पहुँचे, रहमान भी 20s में पहुँच जाएंगे जल्दी, 19 पे हैं अभी। बॉलिंग में सबसे अच्छी बात है कि ऑफ साइड गेंद कर रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल बनी हुई है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफ साइड के शॉट लेग साइड नहीं खेल सकता, लेकिन गड़बड़ ये हो जाएगी अगर मान लीजिए मैंने खेला, एक शॉट लगे, 2 शॉट लगे और गलती से कैच आउट हो गए अगर, और इसके बाद जो बैट्समैन आएंगे उनकी रेटिंग कम है, तो मैं चाह कर भी खुल के शॉट नहीं खेल सकता। ये देखिए ये गलती होती है, ये गलती होती है। अगर ये मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, वही हुआ है यहाँ पर, हमने ऑफ साइड के शॉट को लेग साइड में खेलने गए थे और ये शॉट तो खेला जा सकता था, टाइमिंग में गड़बड़ हुई हमारी तरफ से और मिथुन यहाँ पर 50 के इतना करीब होकर मिस कर गए। पहला प्रेडिक्शन हमारा गलत हुआ था, आपको बता दूँ जो पहला प्रेडिक्शन किया था हमने बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड का, वो बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड नहीं,
इसके साथ था मैच बांग्लादेश वर्सेस यहां पर हसन मिराज आए हैं। और पांच ओवर में 28 रन दिए मुंद्रो ने, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। लॉफ्टेड शॉट तो हम लोग इस समय नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका था भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका था वो मैच, और 300 के ऊपर रन बनाई थी बांग्लादेश, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे ख्याल से किसी बहुत कम बांग्लादेशी फैन ने 300 के ऊपर एक्सपेक्ट किया होगा, मुझे नहीं लगता है किसी ने किया होगा ज़्यादा। पर यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम अब साउथ अफ्रीका की टीम नहीं है, ये टीम देखी जाए तो कमज़ोर लगती है, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है जैसा कि इंग्लैंड में भरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भरे हुए हैं बड़े बड़े नाम, इंडिया में भरे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में भरे हुए थे बड़े बड़े नाम। पर न्यूजीलैंड की टीम एकदम शांति से क्रिकेट खेलती है, ज़रूरत पड़ती है तब परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाती है, तो इसीलिए बांग्लादेश को यहाँ पर मैं मजबूत नहीं कह रहा हूँ। ऊपर से फॉरेन कंडीशन का फ़ायदा, अब मैं यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मैं अग्रेसिव शॉट खेलता हूँ तो आउट हो जाऊँगा, मैं इसीलिए नहीं खेल रहा हूँ। बच तो गए हैं, डायरेक्ट हिट भी लगी है, दो दो मौके बच गए हैं, थोड़े रन हमारे कम हो गए हैं यार, उसके लिए गड़बड़ ये हो रही है कि हमारे पास बैट्समैन बचे नहीं। ये गेंद शायद वाइड लग रही है लेकिन इन स्विंग करा रहे हैं, क्या होगा इस गेंद पे, वाइड तो है, वाइड है शायद, वाइड है, नहीं दिया एम्पायर ने, वाइड नहीं दिया है तो मैं काफ़ी नाखुश हूँ। इस फील्डिंग को बीट करना बहुत ज़रूरी है, रहमान बैटिंग में आ गए हैं लेकिन इस फील्डिंग को बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये फील्डिंग अंत तक सेट रहेगी, और ये फील्डिंग अगर अंत तक रही तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए रन बनाना यहाँ पर। अभी तो 7 ओवर का खेल है, अगर हम 350 के लिए हमें कितने रन चाहिए, देखिए मैं रिस्क ले रहा हूँ अब, रिस्क नहीं 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 स्लो गेंद है तो नहीं लेना है, स्लो गेंद है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। वाइड गेंद, ये तो वाइड है, हाँ सही है, हाँ 59 रन चाहिए 42 गेंदों में। अब मैं यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट खेलने जा रहा हूँ लेग साइड में, देखते हैं क्या होता है। बीट हुए हैं, अर्ली शॉट दिखा रहा है, अर्ली शॉट था नहीं, गेंद हाथ से निकलते ही मैंने हिट कर दी थी गेंद। अब फिर से यहाँ पे लग सकता है अच्छा शॉट, बाउंड्री कम से कम लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगी है, विकेट गंवाया है। मेरे ख्याल से हमारे पास टॉप पॉइंट वाले बैट्समैन बचे नहीं हैं, यानी अब ये जो मैच है वो सिंगल डबल पर डिपेंड रहेगी। रहमान आउट हो गए यहाँ पर, एक बड़ा झटका कहलाएगा, क्योंकि अब जो बॉलर आएंगे सब बैट्समैन ख़त्म हो चुके हैं, ऑलराउंडर ख़त्म हो चुके हैं, ऑन पेपर जो खिलाड़ी बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉलर हैं, तो यहाँ पर जो मैच है अब बॉलर्स के ऊपर है। 7 ओवर हमें सर्वाइव करना है, बांग्लादेश को यहाँ पे 7 ओवर सर्वाइव करना है। 291 का स्कोर है जो कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि सामने वाले को भी यहाँ पर उतने ही ओवर मिलेंगे 10 ओवर का, तो हम चाहेंगे 10 ओवर हम लोग सर्वाइव करें यहाँ पर। अब ये मैच जो है वो ट्रू टेक्निक और ट्रू टाइमिंग और गैप में खेलने वाला है, यानी अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा नॉर्मल सेंस में कहा जाए, मॉडर्न क्रिकेट नहीं है ये, काफ़ी जो टेक्स्ट बुक स्टाइल क्रिकेट होता है उस तरह का क्रिकेट देखने को मिलने वाला है आपको। अच्छा ओवर रन नहीं दौड़े मेरे ख्याल से, वरना गड़बड़ हो जाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये फील्डिंग सेटअप, ये बीट कैसे होगा, अग्रेसिव शॉट के बिना नहीं होगा, और यही रीज़न है मैं अटैकिंग थ्री और डिफेंड थ्री से हमेशा डरता हूँ, और ख़ास करके तब जब मेरे पास टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ना हो। अब मुझे गैप में खेलना है, चलिए मानिए मैं गैप में खेलने जाता हूँ ऑफ साइड और लेग साइड में, और गलती से मिस कर गया मैं शॉट, तो फिर होगा ये, मैं एक बार खेलता हूँ ऑफ साइड में शॉट खेलता हूँ, लेग साइड में दिखाता हूँ खेल के क्या होता है। देखिए बैट पे ही नहीं लगी है गेंद, बाहर की तरफ निकली थी, काफ़ी ज़्यादा बाहर थी गेंद, ऑफ साइड पे टप्पी खा के तो थी, तो बैट पे तो नहीं लगने वाली थी, हमें ऑफ साइड में ही खेलना था उसको। 333 हो गया है, 340 से जो था वो 333 हो गया है, अभी यहाँ पर रन रेट जो है वो डाउन होना शुरू हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है अगर टीम खेली 50 ओवर, ये दोनों अगर खेले 50 ओवर तो 7 रन रन रेट से तो कवर कर ही लेंगे ये लोग। 6 गेंदों में 7 रन बनाना, 8 रन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस गैप मिलना चाहिए 2 गेंदों में, तो आपके ऑलरेडी 8 रन हो जाएंगे या 7 रन हो जाएंगे।
अब हमारे पास ऑफ साइड में भी गैप है, लॉन्ग ऑन पे गैप है एक हल्का सा, मिड ऑफ पे यानी मिड ऑन और मिड ऑफ दोनों पे गैप है। इस बार हमने शॉर्ट परिवर्तन किया है, यहाँ पर हमने लॉन्ग ऑफ पे अटैक किया है, प्लेयर डीप में है इसलिए दो रन आता हुआ, और ज़रूरत है इस तरह के शॉट खेलते रहने की, ज़रूरत है अलग अलग टाइप के अलग अलग ढंग के। और एक बार 7-8 रन आ जाए तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वायर और कवर पे भी खेल सकते हैं। इस बार मैं फिर से खेलता हूँ मिड ऑफ मिड ऑन की तरफ और दो रन का कॉल देंगे, आसानी से हम लोग दो रन लेंगे। डाइव लगाई है, पहुँच गए, अगली गेंद, यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी हैं, फिर से हम लोग वही शॉट खेलने वाले हैं। इस बार फिर से लगा है, टाइमिंग अच्छी थी पर फिर भी 2 रन आएगा, 8 रन देखिए आ चुके हैं इस ओवर में। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पर स्क्वायर कवर पे खेलने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि गैप है वहाँ पर। अब मैं पीछे तो नहीं खेलने वाला, पीछे तो नहीं खेलने वाला क्योंकि भाई स्टंप पे लग जाएगा। अगर मैं ऑन साइड में पीछे की तरफ खेलने गया तो, और चौका लग गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये एक गैप है यहाँ पर लेकिन वो बहुत ही छोटा गैप है, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा बैटिंग पोजीशन को लेकर, बॉडी पोजीशन और गेंद पे सही टाइम पे अटैक करना होगा, गेंद भी सही आनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें जब सही होती हैं तब वो अच्छा होता है, लेकिन अच्छी बात यह कि 12 रन इस ओवर से आ चुके हैं। अब देखिए ये गेंद जा रहा था कहाँ पर, वाइड की तरफ, लेकिन इन्होंने करा दिया है आउट स्विंग। हमने बैक फुट खेलने का फैसला किया है, सिंगल आता हुआ। अब सिंगल डबल पे ही डिपेंड है ये मैच, 30 गेंदें बाकी हैं, हम 29 गेंदें और खेलने वाले हैं इस मैच में, और वही 29 गेंदें इस मैच का विनर डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर बड़ा स्कोर कार्ड नहीं खड़ा किया हमने तो फिर आप उम्मीद नहीं रख सकते कि जीतेगी बांग्लादेश, क्योंकि बॉलर की भी रेटिंग कम होगी। अगर बैट्समैन की रेटिंग कम है तो बॉलर की रेटिंग कम होगी, और जब बॉलर की रेटिंग कम होगी तो हमारा परफेक्ट मीटर इतना छोटा होगा, इतना हल्का होगा कि वहाँ पर हल्का सा उछला है गेंद, पर सेफ है, पर सेफ है। यहाँ पर डगआउट में अभी भी काफ़ी शांति है जो देख के मुझे अजीब लग रहा है। थोड़ा बहुत सपोर्ट देना चाहिए अपने टीम के बैट्समैनों को। अब यहाँ पे हम लोग फिर से खेलने वाले हैं, अगर बाउंड्री मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है, और मिल गई है। मैंने पहले ही कहा आपको कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉल उस तरह की आनी चाहिए जो ऑफ स्टंप पे हो, बाहर हो, थोड़ी सी वाइड की तरफ हो। और उसके बाद शॉट सिलेक्शन, हमारा उस गेंद के नज़दीक जाना, वो शॉट सही टाइम पे खेलना, फील्डिंग में परिवर्तन हुआ है और अब हमारे पास यहाँ मौके बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास मौके बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर गेंद उछली जरूर है, 2 का कॉल होगा और यहाँ से बांग्लादेश एक अच्छा क्रिकेट खेल के एक बड़ा स्कोर को बनाने वाली है। 6 चौके मार के तो भाई कोई भी बना सकता है, लेकिन सिंगल डबल बना के एक अच्छा क्रिकेट खेल के रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब बांग्लादेश कोशिश करने वाली है। वाइड गेंद जाएगा, यहाँ पर वाइड का इशारा है, गेंद इतनी हुई नहीं स्विंग और एम्पायर ने सीधा इशारा किया है कि वाइड गेंद है आपकी, एक एक्स्ट्रा रन दिया है। 4-3, 7-2, 9 एक 10 रन आ चुके हैं ओवर में, मुझे लगता है एक चौका निकाल सकते हैं। मैं एडवांस शॉट खेलने जा रहा हूँ, जी हाँ 14 रन, इससे बेहतर और क्या होगा। हमने एक लॉफ्टेड शॉट नहीं खेला है और फिर भी 14 रन निकाले हैं हमने, जो एक बहुत ही अच्छी निशानी हमारे लिए, इस गेम पे पकड़ दिखाता है हमारी, बांग्लादेश की पकड़ बढ़ती हुई, 320 पे पहुंच गया है और 333 वाला जो प्रोजेक्टेड स्कोर था वो अब हो गया है 348। बैक फुट पे खेल रहे हैं हम लोग फिर से, सामने गैप है लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गेंद जो है काफ़ी हद तक लेग साइड में थी, ऊपर से शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद थी काफ़ी हद तक, तो एग्जैक्ट जगह पे रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली तो लेग साइड में भी गैप है, लेग साइड में भी गैप है, लेकिन हम लोग लेग साइड में खेलेंगे नहीं। यहाँ पर 2 का कॉल देते हुए लेट खेला हुआ है शॉट, उसके बावजूद भी 2 रन आएंगे। हमने रनिंग भी लेट स्टार्ट की थी उसके बावजूद भी यहाँ पर रन आया है, तो हमारे लिए तो प्लस प्लस है सब जगह से। मैं एडवांस खेलने वाला है, मुझे ज़रूरत है, मैं एक बाउंड्री की तलाश में हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं एक बाउंड्री की तलाश में हूँ, वो अभी नहीं मिली है। इंतज़ार बढ़ेगा थोड़ा, टाइमिंग के हिसाब से शॉट सही था, हल्का सा थोड़ा सा लेट हुआ था लेकिन फिर भी इतना भी लेट नहीं था कि आप कह दें कि गलत है। अब देखिए यहाँ पर ये गेंद को खेलना मुश्किल होता है,
इस तरह की गेंदों को खेलना काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखिए स्विंग भी कितनी ज़्यादा हो रही है, अब इसको समझना, बल्ले पे लेना और ऊपर से क्विक रन लेना। चार गेंदें हो गई हैं, मेरे ख्याल से अच्छी ओवर कर रहे हैं अभी तक, छः रन दे चुके हैं ओवर में, पर कंपेयर करें बाकी सभी ओवरों से तो काफ़ी अच्छी हैं। अभी यहाँ पे दो गेंदें, एक भी डॉगर डॉट चली जाती है और फिर एक या दो रन आता है तो अच्छी ओवर कहलाएगी। यहाँ पे सात रन, पांच गेंदों में सात रन, रन रेट के हिसाब से ठीक है, लेकिन पिछली ओवर के सामने काफ़ी अच्छी डाली है यहाँ पर न्यूजीलैंड के बोल्ट ने। ओवरऑल देखा जाए तो आठ ओवर में 70 के आसपास पहुँच गए ये, तो 9 के रन रेट से दिए उन्होंने रन, जो कि ख़राब कहलाता है। और यहाँ पर बाउंड्री लगा दी है, अब ये किस्मत का हो या फिर एक अजीब सा संयोग बन रहा है कि हर एक पिछली तीन ओवरों में आखिरी गेंद पर चौके लगे और जो रन रेट है वो 11 का हो गया है पिछली ओवर का। करंट रन रेट ऑलरेडी हम 300 क्रॉस, 350 क्रॉस कर चुके हैं रन रेट के हिसाब से, 351 एग्जैक्ट यहाँ पे दिखा रहा है प्रोजेक्टेड स्कोर। अब हमें बस इसे पूरा करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम उसे क्रॉस करें। यहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल से गलती ना हो गई हमसे, जी नहीं पहुँच गए यहाँ पर, तो एम्पायर से पूछा गया है, लेकिन एम्पायर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नॉट आउट देने में, एक आसान डिसीजन यहाँ पर। अब यहाँ पे हम एक चौका लगा सकते हैं एडवांस शॉट के थ्रू, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर, देखिए स्लो गेंद डाली है लेकिन काफ़ी दिमाग लगाया यहाँ पर, लेकिन बीट हुए मैं, ये होना ही था, ये थोड़ा बहुत शक था मुझे कि ऐसा हो सकता है। अब फिर से देखते हैं कौन सी इनस्विंग कराई है, अब हम फिर से यहाँ पर एक आध चौका मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं बल्ले पे सही ढंग से लगी नहीं, लेट शॉट हुआ है और लेट मतलब बहुत ज़्यादा लेट, दो रन आएगा यहाँ पर। मुर्तजा खेल रहे हैं कप्तान और हसन मिराज यहाँ पर खेल रहे हैं, 17 गेंदों में 34 रन, बंदे ने एक भी लॉपर शॉट नहीं खेला है उसके बावजूद 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, बहुत ही बड़ी बात है ये। मुर्तजा फिर से मौका है उनके पास चौका लगाने का, इस बार फिर से शॉट नहीं लगा है, लेट हो रहे हैं शॉट में, पता नहीं क्यों हम लोग कहाँ से गलती कर रहे हैं, थोड़ा और जल्दी खेलते हैं हम अगली गेंद पर। रन बनने जरूरी हैं, कोशिश करनी चाहिए हर एक गेंद पर रन बनने, 6 रन आ चुके हैं हर एक गेंदों पर जिन पर रन आए हैं, सब पे दो दो आए हैं, तो काफ़ी हद तक जो कमी हुई है वो कवर हुई है यहाँ पर फिर से। और थोड़ा देखिए हमारी टाइमिंग सुधरी है, जो पहली बार हमारा शॉट लगा था वो एकदम रेड पे था, फिर ऑरेंज पे आया, अब येलो पे आया है, अब अगर ग्रीन पे आ जाएगा तो चौका लगेगा गेंद, अगर वैसे ही आई तो। गेंद तो काफ़ी हद तक वैसे थोड़ी सी पीछे है, थोड़ी सी गुड लेंथ पे डाली है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखिए इस बार फिर से लेट खेला है, समझ नहीं पा रहे हैं मुर्तजा के साथ हम लोग टाइमिंग समझ नहीं पा रहे हैं, पर 10 रन आए ओवर से, हमारे लिए वसूल रहा है ये ओवर। बढ़ेंगे हम अगली ओवर की तरफ जहां पर सिर्फ दो ओवरों का खेल बाकी है, 341 हो गए हैं, 9 रन दूर है 350, जो हमने पर्सनल गोल रखा था अपना कि भाई हम लोग कम से कम यहां पर 350 का स्कोर करेंगे। बीट हुए हैं, बीट तो नहीं डॉट गई है गेंद, क्योंकि स्लो गेंद थी, टाइमिंग हम लोग समझ नहीं पाए और यहां पर एक डॉट गेंद जाता हुआ, 18 गेंदों में 34 रन हो गए यहां पर। देखिए यहाँ पर सामने खेला है लेकिन प्लेयर मौजूद है, दो का कॉल देंगे हम लोग, टाइव लगा लेते हैं हम लोग, रिस्क नहीं लेना है अभी, क्योंकि ऐसे समय पे अगर रिस्क लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है हमारे लिए। बातचीत हुई है 30 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप, डिजर्व करते हैं दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहना, 30 गेंदें 51 रन की पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप कहलाएगी। 5 ओवर हुए हैं, 5 ओवर में 50 रन अगर कर रहे हैं, लोअर एंड रेट डॉट जाता हुआ हसन मीर, कहाँ गड़बड़ हो रही है आपकी, समझना होगा, नहीं तो 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए हैं, अब शॉट लग नहीं रहे हैं आपके, पता नहीं क्यों फ्रंट फुट पे खेलते हैं, ये गलती शायद हमने कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं हम लोग, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, गड़बड़ ये हो गई इस चीज़ को समझने में, 2 गेंदें डॉट चली गई, हम लोग कवर करेंगे बाकी की गेंदों को, 2 गेंदें और बाकी हैं, 49th ओवर चल रहा है, 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन आए हैं, हम चाहेंगे यहाँ पर एक बाउंड्री तो कम से कम जरूर निकले, एक बाउंड्री कम से कम। अरे बहुत बढ़िया बॉलिंग यार बोल्ट की, बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर, 4 गेंदों में 4 रन, मैं अग्रेसिव खेलने की सोच रहा हूँ, ये गलत डिसीजन भी हो सकता है मेरा, देखते हैं क्या होता है। गलत तो नहीं हुआ है, अरे नहीं नहीं वापस, अरे यार दौड़ लेना था, चलो दौड़ लिया मैंने, वापस कराया था लेकिन दौड़े ही नहीं, वो वापस गए नहीं, 2 रन ले लिया, 6 रन आए ओवर से, बहुत ही बढ़िया ओवर, 49th ओवर था, 6 रन आएंगे किसी ने नहीं सोचा था, हमने कम से कम 8-10 रन की सोच, 8 रन तो चलिए 2 रन का फ़र्क है, 10 रन तो सोचा था कम से कम, सामने गैप अभी भी बना हुआ है, लेकिन बात यह है कि शॉट लगना चाहिए उधर, शॉट लग नहीं रहा एक भी,
तो इसीलिए हमने सोचा कि लेग साइड पे खेलते हैं, लेकिन लेग साइड पे भी नहीं लग रहे हैं शॉट, परफेक्ट शॉट खेलने के बावजूद भी यहाँ पर आखिरी दो ओवर में धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है बांग्लादेश। इससे पहले सिर्फ 6 रन आए यहाँ पे, अब बल्ले पे लग नहीं रहा है, लगा है दो का कॉल हमने दे तो दिया है, पहुँच भी जाएंगे, पहुँच भी जाएंगे। चलिए 2 गेंदे 2 रन, हाँ मुर्तजा 20s में पहुंच गए अपने 16 गेंदों में 21 रन, कुछ गेंदें ज़्यादा डॉट हो गई थी इससे पहले, अब हमारी कोशिश होगी फ्रंट फुट पे खेल के यहाँ पर एकाद अच्छी तरह से बाउंड्री लगाने की। स्लो गेंद डाली है, जब तक समझते सही ढंग से टेक्निक करते तब तक बीट हो चुके थे। 3 गेंदें 2 रन, पिछली नौ गेंदें न्यूजीलैंड के लिए हर तरह से अच्छी रही हैं, पिछली 10 गेंदें न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही अच्छी रही हैं, 10 गेंदों में सिर्फ 9 रन आए हैं, तो वो भी आखिरी ओवर है यहाँ पर। आखिरी दो ओवर में आप ऐसा परफॉर्मेंस देंगे तो डेफिनेटली टीम को नुकसान होगा। 350 क्रॉस तो हो गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है मन में कि क्या एक बाउंड्री लगेगी इस ओवर में। सिंगल के साथ 5वीं गेंद पूरी हुई है, 11 गेंदों में सिर्फ 10 रन, अंत की 11 गेंदों में सिर्फ 10 रन, ये शायद यहाँ पे जो 8-10 रन कम हुए हैं वो शायद नुकसान कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कमॉन यार, एक भी गैप में गए नहीं शॉट यहाँ पर। ओवर पूरा होता हुआ, 50 ओवर का खेल पूरा होता हुआ पहली इनिंग का यहाँ पर, और स्कोर बनाया है यहाँ पर 352 का मेरे ख्याल से। जी हाँ, 352, 7 विकेट गंवाकर। जिम्मेदारी थी हसन मिराज और मुर्तजा पे 350 क्रॉस कराने की, वो उन्होंने पूरी की है। बॉलिंग में देखें तो ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया है रन के हिसाब से। ग्रैंडॉम डेफिनेटली 6 ओवर 38 2 विकेट, मुनरो ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, उसके अलावा मिसम ने अच्छी गेंदबाजी की है। विकेट के मामले में सबसे ज़्यादा लिए हैं ग्रैंडॉम, मुनरो, निसम, बोल्ट 113, इकबाल एक और सेंचुरी लगती हुई 46, मिथुन, हसन मिराज 41 नॉट आउट और लिट्टन दास। अब हम लोग हसन मिराज से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए रेटिंग देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपको बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं इस गेम में, उनकी रेटिंग काफ़ी कम होने वाली है और हमारे लिए वहीं पे मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक प्लेयर आपको यहाँ, एक बॉलर यहाँ पे मैच नहीं जीता पाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, एक बॉलर आपको यहाँ पे मैच नहीं जीता पाएगा। ये हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम लोग आज, इससे पहले वाला जो मैच हुआ था मैच नंबर 1, वहाँ पर हमने एहसास कर लिया इस बात का कि आपके पास अगर एक टॉप रेटिंग बैट्समैन है, बॉलर है, तो आप नहीं जीत सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं विकेट निकालने वाला एक आध बॉलर होना चाहिए, उसके लिए आपकी रेटिंग 85 के आसपास हो तो बढ़िया है, आसान होता है हमारे लिए बॉलिंग करना। 15 ओवर के बाद 115 पे है यहाँ पर, तो काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ है। रन रेट जो है वो 7 का है, रिक्वायर रन रेट पूरे मैच का, पर अभी वो लोग जो खेल रहे हैं वो एग्जैक्ट 7 के हिसाब से ही खेल रहे हैं, 7 पॉइंट कुछ, क्योंकि 120 गेंदों में 145 है, 20 के हिसाब से देखा जाए तो 7 के हिसाब से देखा जाए तो 140 होता है। 30 ओवर अब होंगे यहाँ पर, देखते हैं कितने बनाते हैं। 7 से नीचे चला गया है, 7 से नीचे चला गया है, यानी यहाँ पर बांग्लादेशी बॉलर्स ने कमबैक किया है 20 से 30 ओवर में, अच्छा कमबैक किया है। 35 ओवर के बाद 229 रन, देखना होगा क्या यहाँ पर कितने पे रुकेगा 40 के बाद, 258। अब 7 का रन रेट तो नहीं है, यानी पीछे चल रही है, 5 विकेट गंवा चुकी है, 1 विकेट हमने ले लिया अगर, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बॉलर बचे हैं, यानी बांग्लादेश के लिए मैच आसान हो सकता है अगर विकेट निकाली तो। मुर्तजा आए, गेंदबाजी करेंगे, फील्डिंग में बदलाव नहीं करेंगे हम लोग। पहली गेंद काफ़ी ख़राब है यहाँ पर, निशम खेल रहे हैं, ग्रैंडडॉम सेट हो गए हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि 37 गेंदें खेल चुके हैं, निशम यहाँ पर नए हैं। पहली गेंद कोई रन नहीं, अगली गेंद के लिए तैयार हैं हम लोग, यहाँ पे अच्छी गेंद डाली है, विकेट लेना होगा यहाँ, 1 विकेट खाली लेना है। बहुत बढ़िया गेंद यार, अगर बीट होते तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट होता यहाँ पर, अपील अपील होती, पर पच गए। अब पिछली गेंद हमने इनस्विंग डाली थी, ये गेंद हमने आउटस्विंग डाली है, गेंदबाजी लाजवाब कर रहे हैं मुर्तजा, 3 में से 2 गेंदें इन्होंने परफेक्ट लाइन पे डाली हैं, शॉट भी परफेक्ट खेल रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पर इस बार न्यूजीलैंड का डगआउट शांत है, 57 गेंदें 95 रन, यानी लगभग 9 का है, 9 पॉइंट कुछ का है रन रेट। नीचे रह गई ये गेंद, ग्रीन मीटर के नीचे रह गई है, और उसका फ़ायदा उठाया है निशम ने, 6 लगाते हुए यहाँ पर।
56 गेंदें 89 रन। और यहाँ पर देखिए डगआउट में देखिए ये सपोर्ट मुझे बांग्लादेश में नहीं दिख रहा था। जब बांग्लादेशी बैट्समैन अच्छे खेल रहे थे तब इस तरह का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। हम यॉर्कर पे आ गए वापस से। अच्छी गेंद यार, परफेक्ट गेंद है, मैं देखना चाहता हूँ निशम क्या खेलेंगे। अरे ग्राउंड शॉट खेल के बचा लिया है अपने आप को। 5 गेंदें 6 रन, चलिए घूम फिर के अभी तक तो एवरेज अच्छा है इनका। ख़राब गेंद डाल दी है। ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने 5 ओवर में दिए थे 42 रन, यानी 8 के रन रेट से दे रहे थे। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, यानी वापसी अच्छी की है। गेंदबाजी में बदलाव होगा, होशन को हम लोग दे रहे हैं 1 ओवर, हम लोग इनको ट्राई कराएंगे। एक बार स्कोर कार्ड देखते हैं, होशन के 3 ओवर बाकी है ना। चलिए 45 के बाद आएंगे, ये ओवर डाल देंगे ये, इसके बाद 45 के बाद आएंगे। ग्रीन के हल्का सा ऊपर चलेंगे ये, मतलब मौका है ग्रांड के पास चौका लगाने का या सिक्स लगाने का। मिस कर गए, जानबूझ के यहाँ पर धीरे खेलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी यहाँ पर शुरू में, ताकि जी सेट हो जाएं, उसके बाद अंत में हमारी धुलाई करें। हमारे मेन बॉलर हैं हुसैन, इनको संभल के ही खेलना होगा डिफेंस करते हुए। लगातार डिफेंस हो रहा है यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से, कोई अग्रेसिव शॉट देखने को नहीं मिले हैं सिवाय एक शॉट जो खेला था सिक्स के लिए, उसके अलावा कोई कोशिश नहीं दिख रही है यहाँ पर डिफेंस करते हुए। फिर से एक बार साफ साफ दिख रहा है कि नहीं चाहते हैं कुछ भी करना इन गेंदों में। इसके बाद 2 ओवर बाकी रहेंगे हुसैन के, जो 45-46 के बाद आएंगे वो अटैक करने। अब 3 गेंदों में कोई रन नहीं और कोई अच्छा शॉट भी नहीं खेला है अभी तक, लेकिन चौथी गेंद पे लगा एक सिक्स। चौथी गेंद पे एक बार फिर से यहाँ पे सिक्स लगाए, पिछली ओवर में भी लगा था, यहाँ पर भी लगा है। डगआउट से सपोर्ट बहुत ही लाजवाब है न्यूजीलैंड के लिए। अब हर एक ओवर में एक सिक्स लग रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी की गेंदों को सही ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना सिंगल तक नहीं ले पाए थे पिछली बार, तो 6 में से 1 गेंद पे सिक्स लगा था, उसके बाद सिंगल तक नहीं निकाल पाए थे। यहाँ पर एक क्विक सिंगल लिया है और उसकी बदौलत स्ट्राइक पे आए हैं निशम। अगर जाएगी डॉट गेंद तो ग्रैंड होम ही रहेंगे अगली ओवर में स्ट्राइक पे। खराब गेंद, ये हुसैन थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं गेंदबाजी में, सामने की तरफ कोई रन नहीं। लेकिन देखिए फिर से वही हुआ है, 7 रन आए ओवर में। रिक्वायर रन रेट ज़्यादा का है, रिक्वायर रन रेट 7 का नहीं है, 9-10 का है आपका। मुर्तजा को हम लोग एक और गेम ओवर दे रहे हैं, इनके 4 ओवर बाकी है, मतलब इनसे हम ओवर करा सकते हैं, इनसे हम भरपूर ओवर करा सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। इन्हें बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पर ग्रांड डॉम का विकेट ले लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सेट होके खेल रहे थे। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो सेट होके अभी अभी खेल रहे थे, और सबसे अच्छी बात इनकी रेटिंग बहुत हाई थी, कंपेयर करें अगर बाकी के खिलाड़ियों से तो बहुत ही ज़्यादा थी। अब अगले जो गेंदबाज बैट्समैन आ रहे हैं वो इतने खास नहीं होंगे। देखिए 19 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है और 193 रन बनाए, 48 हाईएस्ट है इनका। अब इनको अपना बेस्ट देना होगा अगर यहाँ पर जिताना है न्यूजीलैंड को। अब फर्क देखिए ग्रीन मीटर का कितना बड़ा हो गया हेनरी के लिए, और यहाँ पे मिस कीपिंग होते हुए, कीपिंग पे जज नहीं कर पाए थे गेंद को। धीरे 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 कछुए की गति से गेंद पहुँच गई है चौके की तरफ, बेचारे फील्डर को बहुत ज़्यादा चेज करना पड़ा है गेंद को। और डगआउट से सपोर्ट तो भाई मानना पड़ेगा यहाँ पर, जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है ना, बहुत लाजवाब कहला। ये कहाँ जा रहा है शॉट, जब पीछे ही गया है, मुझे लगा एनिमेशन में कुछ अलग अलग दिखा रहे हैं रिप्ले में। अब हेनरी आउट हो सकते हैं, पहली गेंद पे ऐज आ चुकी है, चौका मिला जरूर है लेकिन ऐज आया है वो। इस बार भी यहाँ पर मुर्तजा स्ट्राइक कर चुके हैं, साकिब अल हसन का तो अभी पता नहीं, लेकिन मुर्तजा यहाँ पर स्ट्राइक कर चुके हैं 2 छटके न्यूजीलैंड को। हेनरी को पहली ही गेंद पे चौका दिया था ऐज लगवाकर, और अगली ही गेंद पर सेम ग्रांड होम को जैसे डाली थी गेंद सेम वैसे ही डाली है, शॉट भी उन्होंने वही खेला और आउट हुए हैं। और सोडियाँ हैं यहाँ पर, इनकी भी रेटिंग इतनी खास नहीं है, 6.2 का एवरेज है, 73 स्ट्राइक रेट है, 24 बेस्ट है इनका, इनसे भी हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मुर्तजा कोशिश करेंगे इनको भी ऑल आउट करने की, यहाँ पर इनको भी आउट करने की, ऑल आउट तो होगी टीम अगर नहीं खेल पाए तो। डिफेंस किया है यहाँ पर, स्ट्राइक रोटेट कराया निशम, यहाँ पर थोड़ा बहुत टेंशन हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि एक प्लेयर भी इनफ है,
दूसरे प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी होगी स्ट्राइक रोटेट कराने की, वहाँ पर अगला प्लेयर जो होगा वो अपना खुल के खेल सकता है नेचुरल गेम। निशम को बहुत ही बढ़िया गेंद डाली है ये वाली, और यहाँ पे देखिए ये मैं कह रहा था बाउंड्री लगेगी, बाउंड्री लगी है एक्चुअली। ये शॉट इन सिक्स के लिए था, ये शॉट खेला गया था सिक्स के लिए, लगा नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए किस्मत का खेल देखिए, रन के मामले में ये ओवर सबसे बेस्ट, लेकिन विकेट भी दो गंवा दिए हैं, तो घूम फिर के जो रन बढ़े तो विकेट गंवा के यहाँ पर सब कुछ ख़राब हो गया न्यूजीलैंड के लिए। एक और बढ़िया गेंद मुर्तजा की, सबसे बढ़िया गेंदबाजी की है इन्होंने, पहली ओवर में ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, ग्रीन मीटर लगातार, और यहाँ पर भी लगातार ग्रीन मीटर। हुसैन को हम लोग रखेंगे अभी, थोड़ा रेस्ट कराएंगे, हसन मिराज को बुलाए हैं हम लोग, अच्छी बैटिंग की थी इन्होंने, बॉलिंग में कमाल देखें तो आखिरी ओवर है इनका, 9 ओवर में 54 रन काफ़ी अच्छा कहलाएगा, क्योंकि 6 के रन रेट से हैं रन। टीम का ओवरऑल देखें तो वो बच गए यहाँ पर, जी हाँ बच गए यहाँ पर, कैच हो सकता था अगर हल्का सा भी प्लेयर नज़दीक होता या फिर गेंद ज़्यादा आगे चली जाती। ड्रिफ्टर डालिए गेंद डिफेंस करते हुए, हसन मिराज आखिरी ओवर के करीब हैं, काफ़ी ओवर करवाया है जिनसे, कैरम बॉल डाल रहे हैं हम लोग, गेंद कहाँ नहीं जा सकता, सिक्स मार सकते हैं अगर अच्छी टाइमिंग पे खेलें तो, जी नहीं डॉट जाएगा। अब मुझे भी पता है कि वो लोग रिस्क लेंगे नहीं जब तक 3 ओवर नहीं बचते या 4 ओवर नहीं बचते, रन रेट जब तक 18 क्रॉस नहीं होगा, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मुझे भी पता है खेलने वाले नहीं हैं अग्रेसिव। देखिए शॉट खेलेंगे भी तो लगेगी नहीं, शॉट चाह कर भी नहीं खेल सकते यहाँ पर, ये सेम हालात हमारे थे, लेकिन हमने क्या किया था, दिमाग का यूज़ किया था जो इनके पास है नहीं, क्योंकि इनको जो मैनेज कर रहा है उसके खुद के पास दिमाग नहीं है। यहाँ पर देखिए सिंगल डबल भी नहीं ले पा रहे हैं, मैडन जाएगा क्या ओवर, आखिरी ओवर मैडन डालेंगे, देखना होगा इनका। अरे ग्रीन मीटर रह गया है, हसन मिराज एक गेंद से रह जाएंगे मैडन के लिए लग रहा है। ओ बोल्ड, यहाँ पर बोल्ड किया, ये कैसे हुआ, लगातार डिफेंस खेल रहे थे, इसे कहते हैं ओवर डिफेंस करना। हम कई बार ओवर अग्रेसिव खेल जाते हैं, कई बार हम लोग हद से ज़्यादा अग्रेसिव खेलते हैं और इसे कहेंगे ओवर डिफेंसिव। जबरदस्ती डिफेंस कर रहे थे, मैडन ओवर तो डाला ही डाला है, सोडी का विकेट भी गिरा है यहाँ पर, विकेट भी जिस तरीके से गिरा है वो भी लाजवाब है। डिफेंस किया था गेंद सीधी निकल गई, डिफेंस किया था गेंद सीधे निकल गई है, और यहाँ पर बोल्ड होते हुए अब सिर्फ 2 विकेट निकालना है। ये पहला ऑल आउट होगा हमारा, मेरे ख्याल से ये पहला ऑल आउट हो सकता है। मुर्तजा का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इनके 7 ओवर हुए हैं, 3 ओवर करने हैं, यानी 18 गेंदें इनकी खेलनी है, हुसैन की भी गेंदें खेलनी है। यहाँ पर 6 लगाया है, बहुत बढ़िया। निसम ने दिखाया है कि भाई आप भले विकेट ले रहे हो लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी बचा हुआ हूँ, और डगआउट से भाई बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है न्यूजीलैंड को। हर एक गेंद जब बाउंड्री पर जाती है तो प्लेयर सारे खड़े होकर चीयर करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, स्लोअर गेंद डालने गए थे, टच हुआ नहीं, 2-3 बार क्लिक किया, उसके बाद गलती से ग्रीन लाइन गया नहीं है यहाँ पर, लेकिन डॉट जाएगी गेंद। फर्ग्यूसन को मौका ही मत दो खेलने का, यहाँ कोशिश करनी चाहिए स्ट्राइक ना बदले न्यूजीलैंड की। निशम यहाँ पर है, एक और अग्रेसिव शॉट, मैं फिर से आपको बता दूँ गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई कमी नहीं थी, ग्रीन मीटर पे थी, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं मुर्तजा उसी तरह की। और देखिए डगआउट भाई, ये बहुत कम बार ऐसा होता है कि हर एक शॉट पे डगआउट का एनिमेशन आए, हर एक शॉट पे, अच्छे शॉट पे, डगआउट्स पे चीयर अप करें खिलाड़ी, बहुत रेयर होता है ये, वो आज हो रहा है। स्लो गेंद डाली है, देखते हैं विकेट मिल जाए तो अच्छा है, जी नहीं डॉट जाएगा। 12 रन आ चुके हैं, रिक्वायर रेट अभी भी 11 पे टिका हुआ है, लेकिन अगर ये आखिरी ओवर तक मैच गया तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड यहाँ पर जीत जाए, क्योंकि ये रन बनाते रहेंगे, ये लोग रन बनाते रहेंगे। देखिए कितने चालाक हैं, यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट कराया है लेकिन वापस से खुद ही स्ट्राइक ले लिया है। 1 गेंद बाकी है, 14 रन आ चुके हैं ओवर से। मुर्तजा का ये ओवर थोड़ा सा ख़राब रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अप डाउन होता रहता है अभी भी। लेकिन इस मैच में बांग्लादेश आगे, गेंदबाजी अच्छी की है, फिर से लास्ट गेंद है, अग्रेसिव शॉट 6 लगाया भाई, ये परफेक्ट गेंद थी। ये चीज़ अजीब है भाई, आप परफेक्ट मतलब ये गेंद 100% कन्फर्म कहते हैं ना जिसको, 100% परफेक्ट उस तरह की गेंद थी, उस पर 6 लगाए यहाँ पर। रिप्ले भी हम देखेंगे क्योंकि एडवांस शॉट खेला है यहाँ पर, एक बार देखना चाहेंगे रिप्ले कैसा खेला इन्होंने, लाजवाब।
300 पूरा हो गया है यहाँ पर इसी के साथ। अब गेंदबाजी हम महमदुल्ला को दे रहे हैं और इन्होंने 76 विकेट निकाले हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इनको मौका मिल रहा है फर्ग्यूसन जैसे एक निचले क्रम के बल्लेबाज के सामने बॉलिंग करने का, विकेट निकालने का एक मौका है। एक विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। स्ट्राइक रोटेट हो गया है, गड़बड़ हुई है यहाँ पर, निशम आ गए वापस से स्ट्राइक पे। अब महमूदुल्ला का क्या होगा पता नहीं, सोचा तो था फर्ग्यूसन को करेंगे गेंदबाजी, लेकिन बदल गया है माहौल। निशम आ गए स्ट्राइक पे, पहली ही गेंद पे छक्का पड़ा है इनको। 7 रन 2 गेंदों पे आ चुके हैं यहाँ पर। मुर्तजा का ओवर आएगा इसके बाद, उसके बाद हम हुसैन को शुरू करेंगे। ग्रीन मीटर से थोड़ा सा दूर है गेंद, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर है, और बाउंड्री लगी है। 11 रन आ चुके हैं, 11 का रिक्वायर रन रेट था, वो 10 का रिक्वायर रन रेट था एक्चुअली, पर आ चुके हैं इस ओवर में रन जितने चाहिए था। अब यहाँ पर अगर ये कुछ भी रन नहीं बनाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में महमूदुल्ला की वापसी, परफेक्ट ग्रीन लाइन, और नहीं, मुझे लगा एक समय कैच होंगे। स्ट्राइक रोटेट करवाया है यहाँ पर, फर्ग्यूसन को दिया है, मतलब महमूदुल्ला आपके पास 2 गेंदें हैं। देखिए कितना शांत हो गया डगआउट वापस से, सिंगल आया था, स्ट्राइक रोटेट हुआ है, घबराए हुए हैं सभी कि क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि फर्ग्यूसन का कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है अभी आउट हो जाएं, इसके बाद आउट हो जाएं, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट कराया है सिंगल के साथ। मौका दिया निशम को कि भाई अब आखिरी गेंद खेलो, स्ट्राइक रोटेट करके खुद ले लो और अपने ढंग से आप रन बनाओ। ग्रीन लाइन से हल्का सा नीचे रहा है गेंद, 50 के करीब पहुंच गया निशम, देखते ही देखते स्ट्राइक रोटेट नहीं होने दिया, लेकिन 13 रन के साथ ओवर पूरा होता हुआ। 2 ओवरों में काफ़ी अच्छा कमबैक किया है न्यूजीलैंड ने। यहां पर मुर्तजा को वापस से अटैक में बुलाया गया, अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं की इन्होंने तब भी इनको देना ही है ओवर। फर्ग्यूसन को गेंदबाजी कर रहे हैं, कम ऑन, यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं इनका विकेट, इतना मुश्किल भी नहीं है। डॉट गेंद गई है यहाँ पर, 24 गेंदें, सिर्फ 23 गेंदों का खेल बाकी है। न्यूजीलैंड की कोशिश होगी निशम यहाँ पर अधिक से अधिक रन बनाए और ऑल आउट ना हो टीम। फर्ग्यूसन पिच पे टिके रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंद है मुर्तजा की, पर स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, निशम आ चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इस समय इस गेम की, अगर मैच यहाँ पर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ निशम है। डॉट गेंद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये डॉट गेंद जरूरत थी मुर्तजा की इस ओवर को अच्छा बनाए रखने के लिए। फिर से ग्रीन लाइन हल्का सा टच हुआ है, 50 के करीब है, पर मुझे नहीं लगता है उनको इसकी पड़ी है। एक सिक्स लगा चुके हैं यहाँ पर। एक बार फिर से मुर्तजा का ओवर महंगा होने की उम्मीद लग रही है, और सपोर्ट तो भाई लाजवाब है न्यूजीलैंड के डगआउट से, जो सपोर्ट मिला है बहुत ही रेयर होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 28 गेंदों में 55 रन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग, बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे रोमांचक इनिंग हो सकती है अगर न्यूजीलैंड यहाँ से जीत गई तो। रोमांचक मैच बहुत हुए हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज़बरदस्त मैच हुए हैं, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट गेंद पर दूसरा सिक्स, ये चीज़ बहुत अजीब है। यहाँ पर लगभग इन्होंने 4 पर सिक्स लगाए हैं, 4 परफेक्ट गेंदों पे सिक्स लगाए हैं, वो चीज़ बहुत अजीब है। निशम यहाँ पे लग रहा है कि मैच जिताने के ही मूड में आए हैं, किस्मत इनका भरपूर साथ देती हुई। अब 13 रन हमने दे दिए 19 गेंदों में 27 रन, ये तो वन साइडेड मैच लग रही है। अब देखिए मुर्तजा ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन रन बहुत दे दिए हैं, 90 रन दे चुके हैं अभी तक, 91 रन दे चुके हैं 9 ओवरों में। अब इस तरह का माहौल रहा अगर तो मुश्किल हो जाएगा। अब हमने प्लानिंग इस तरह से की कि हुसैन को हम लोग कराएंगे ये ओवर, उसके बाद ट्राई कराएंगे किसी और को, उसके बाद फिर आखिरी ओवर हुसैन करेंगे, लेकिन क्या आखिरी ओवर तक पहुंचेगा ये गेम। निशम ने स्ट्राइक लिए, देखिए परफेक्ट गेंद डाली। अब इन सब गेंदों पे अगर सिक्स पड़ता है तो अफसोस होता है यार, डिफेंस किया है पर रन भी नहीं लिए हैं, खुद स्ट्राइक रखी है। हम लोग साइड चेंज कर रहे हैं, एक पहला बहुत ही बड़ा बदलाव आता होगा, वो भी इस समय हमने लाया है कि जब निशम सेट हो गए, ग्रीन लाइन के बाहर गेंद, 9 का रन रेट हो गया है, सिर्फ 9 का रन रेट है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जरूरत थी इस फील्डिंग की, क्योंकि अगर गलती से भी चौका चले जाता तो हमारे सपने अधूरे हो जाते यहाँ पर। अरे रे, लैग हुआ था गेम,
मिस कर गए हम लोग ग्रीन लाइन, पर अच्छी बात है रन नहीं बना रहे हैं ये अभी तो, ज़्यादा कुछ नहीं खेल रहे हैं, फ्रंट फुट बैक फुट पे ही खेल रहे हैं, शॉर्ट सिलेक्शन में डिफेंसिव ही खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंद, देखिए ये परफेक्ट गेंद है। अब इस गेंद को अगर ये, अच्छी बात है डिफेंस किया है, देखिए ये फ़ायदा होता है एक अच्छे गेंदबाज की, अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी जब करते हैं, चेंज करते रहते हैं। बहुत बढ़िया गेंद, ग्रीन लाइन टच हुई है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, चार गेंदें डॉट डाल दी इन्होंने, पांचवी भी डॉट, मैडन ओवर जाता हुआ यहाँ पर लग रहा है मेरे को, पिछला जो ओवर गया था मैडन वहाँ पर विकेट मिला था आखिरी गेंद पे, क्या फिर से वो कमाल होगा, देखना होगा क्या यहाँ पर विकेट मिलेगा नीशम का, आखिरी गेंद है उस पे इन्होंने बचा कुचा सब कवर कर लिया है, छः गेंदों में 6 रन, रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है नहीं कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, डगआउट से फिर से चीयर आता हुआ, स्ट्राइक लेकिन जो है अब 24 गेंदों में 53 रन की पार्टनरशिप, स्ट्राइक रहेगा फर्ग्यूसन के पास, एक बार फिर से मुर्तजा के पास मौका है कि यहाँ पर फर्ग्यूसन का विकेट निकालें, कम ऑन मुर्तजा आप पे फिर से हमने विश्वास दिखाया है, इस विश्वास को खत्म मत होने देना। ग्रीन लाइन पे तो है गेंद, गेंद ग्रीन लाइन पे है, फर्ग्यूसन ने किया है डिफेंस तो अच्छी बात है, स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ है, स्ट्राइक रोटेट अगर हो गया तब पता नहीं क्या होगा। अच्छी गेंद ग्रीन लाइन पे, सेम पहले जैसी गेंद है, बस फर्क यह है कि लेंथ और लाइन बदली है यहाँ पर, लेकिन गलत शॉट खेलने के बावजूद भी स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, 19 रन दूर हैं और 10 गेंदें बाकी हैं, यानी लगभग 12 का रन रेट है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-6 लगेगा तो पूरा पूरा गेम, देखिए टच नहीं काम कर रहा है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर परफेक्ट गेंद डाली है ग्रीन लाइन पे, मुर्तजा ने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया है, निशम ने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, फर्ग्यूसन अगर होते मेरे ख्याल से तो स्ट्राइक रोटेट कर देते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुर्तजा ने, मुर्तजा की गेंदबाजी में स्ट्राइक रोटेट नहीं किया है निशम ने, यानी 6 के लिए तैयार है और लगा दिया है कि ऊंचा 6। स्कोर कार्ड में मैंने पहले ही कहा था कि 10 से 12 रन कम हुए हैं और डगआउट फिर से यहाँ पर, तो डगआउट को खुश होना चाहिए क्योंकि अब नज़दीक पहुँच रहे हैं जीत के, कुछ रनों का ही फर्क है अब सिर्फ, और अगर यहाँ पर निशम आउट होते हैं तो ही हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूजीलैंड हारेगी, क्योंकि 8 विकेट गिर जाएगा उसके बाद, 9 विकेट गिर जाएगा, सिर्फ 1 विकेट की बात रहेगी, तो 1 रन पे भी चांस है, 2 रन पे भी चांस है, तब वो चांस हमेशा रहेगा। खराब गेंद, ये किस तरह की गेंद की है, हमने 7 रन तो दे चुके हैं और ये 6 ने बचा खुचा गेम ख़त्म कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अब करने होंगे यहाँ पर इनको 7 रन, 6 गेंदों में 7 रन, अब सिर्फ और सिर्फ एक रोसेन हुसैन की जो बॉलिंग है वो जिता सकती है इनको मैच, बांग्लादेश को इस मैच में जिता सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ इनके सबसे बेहतरीन रेटिंग के हिसाब से जो गेंदबाज हैं वो, देखिए डगआउट में सन्नाटा है, अब यहाँ पे हमारी कोशिश होगी, परफेक्ट ग्रीन लाइन है, चलिए विकेट निकालिए फर्ग्यूसन, कम ऑन अग्रेसिव खेलो फर्ग्यूसन, स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ है, 5 गेंदें 7 रन, 5 गेंदें 7 रन, मैं चाहता हूँ कि अग्रेसिव खेलें, लेकिन एक और रिस्क है, अग्रेसिव खेलेंगे और गलती से इन्होंने कैच आउट हुए तो स्ट्राइक रोटेट हो जाएगा, तो वो भी एक थोड़ा डाउट है मन में। ओ ये शॉट इन्होंने बचा के रखा था और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि अब डगआउट को खड़े होने की जरूरत पड़ेगी अगले शॉट पे, क्योंकि अब उन्हें दौड़ना होगा अंदर अपने विनर बैट्समैनों को उठाने के लिए, उन्हें चीयर अप करने के लिए, यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि ड्रॉ करा दे मैच अब। अच्छी गेंद है कि नहीं, खराब है वो तभी पता चलेगा जब, यहाँ पर तो न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया है, फर्ग्यूसन ने सिर्फ और सिर्फ अंत की 8 गेंदें खेली हैं जो कि बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ पर 2 विकेट से फिर से, ये 2 विकेट से विनिंग हुआ है मैच, एक और मैच जहाँ पर 2 विकेट से विनर मिला है हमें, हमारी बॉलिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है जिसके कारण इस तरह का स्कोर खड़ा हो रहा है। बॉलिंग पे नज़र करें अगर हम लोग तो 3 विकेट निकाले हसन ने, साकिब अल हसन ने, लेकिन बॉलिंग लाजवाब की थी, सबसे बड़ी गड़बड़ होगी मुर्तजा से, हमने उन पर लगातार विश्वास किया, विकेट उन्होंने निकाले लेकिन अंत में सफल नहीं हुए, 7 ओवर का कोटा था उनके पास, 7 नहीं 6 ओवर का कोटा था 10 में से, और वहाँ पर उन्होंने निराश किया है यहाँ पर।
मैं एक बात और भी कबूल करता हूँ कि यहाँ पर गेंदबाजी उनकी ख़राब नहीं थी, खास करके अंत के 4 ओवर अगर निकाल दें जो उन्होंने टोटल 46 ओवर के बाद गेंदबाजी की, उसके पहले की गेंदबाजी उनकी लाजवाब थी, उसके बावजूद भी विकेट नहीं मिल रहा था। परफेक्ट गेंदें बहुत सारी डाली लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो मैच निराशाजनक रहा है, बांग्लादेश हारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे पहले भी बांग्लादेश हमारे गेम प्ले में हारी थी लेकिन रियलिटी में जीत गई थी। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, दोनों टीमें फॉर्म में हैं, टक्कर दे रही हैं, और जो जीतेगी मेरे ख्याल से वो यहाँ से क्वालिफिकेशन के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएगी। तो देखते हैं कौन जीतता है हमारे गेम प्ले में। रियल क्रिकेट 19 तो कह रही है कि भाई बांग्लादेश हारेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ हम लोग लेते हैं आप लोगों से विदा, वीडियो को करते हैं एंड, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।